नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। मैं योगग्राम में हूँ, अभी टेंट कॉटेज में हूँ, आप देख सकते हैं। आज है 27 अगस्त और मैं दूसरी बार योगग्राम आई हूँ और आज योगग्राम में मेरा पहला दिन है। तो आज सुबह 7:45 बजे मैं योगग्राम पहुँच गई थी। अब मैं आपको अनुभव बताऊँ पहले दिन का, वो इसलिए बता रही हूँ कि मैं लगभग 250 से 300 वीडियो योगग्राम टॉपिक पे मैं अपने चैनल पे डाली हूँ, लेकिन तभी के जो वीडियोस थे वो नवंबर 2020 का जो अनुभव था, जो नॉलेज था वो था। और ये है 2021, तो 2020 और 2021 में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं एक बात बताऊं, मुझे लग रहा है अगर आज का दिन मेरा जैसा गया, अगर ऐसा बाकी 9 दिन भी गया, तो मैं कहूँगी मेरा यहाँ आना पैसे की बर्बादी है, पूरी तरह से पैसे की बर्बादी। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी नवंबर 2020 को, जब मैं इंट्री की थी, इंटर करते के साथ इतना पॉजिटिव वातावरण था, इतना अच्छा लगा। हो सकता है इसलिए क्योंकि तभी लोग बहुत कम थे, लगभग 450-450 लोग थे, अभी लगभग 1000 से भी ऊपर लोग आ चुके हैं। टेंट कॉटेज तभी नहीं था, अभी टेंट कॉटेज आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं। ठीक है, पेशेंट हो गए हैं ज़्यादा, तो उस हिसाब से सर्विस तो बढ़ाइए आप। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो चलती है, देखिए सबसे बड़ा फॉल्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का है। इस वजह से मेरा जो थेरेपी है, मिट्टी पट्टी जो 2 बजे योग भवन में दी जाने वाली थी, मैं 2:30 बजे योग भवन पहुँची। मेरी कहीं से भी कोई गलती नहीं थी, मैं समय पर अपने टेंट के बाहर थी, लेकिन गाड़ी जो आ रही थी वो भर भर के आ रही थी और सबको ट्रीटमेंट सेंटर जाना था। अब मेरे लिए तो जगह नहीं थे, एक गाड़ी पार हुई, दो गाड़ी पार हुई, तीन गाड़ी पार हुई। ठीक है, मेरे तक पहुंचने से पहले वो भर जा रही थी। फिर मैं अपने गली से निकल करके थोड़ा सा रोड साइड आई, क्योंकि टेंट थोड़ा अंदर पड़ता है, मैं रोड साइड आई। वहाँ पे फिर गाड़ी आई तो वो मुझे लेके गई नेचुरोपैथी थेरेपी सेंटर, क्योंकि सभी को वहीं पर जाना था और मिट्टी पट्टी लेना है योग भवन। तो फिर मैं वही गाड़ी खाली थी, बैठी रहे, कोई गाड़ी नहीं आई। फिर 5 मिनट के बाद फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर मैं वो छोटी सी गाड़ी में बैठी और बोली कि मुझे प्लीज़ आप योग भवन पहुँचा दीजिए, मिट्टी पट्टी लेना है, टाइम हो चुका है। पहले तो गाड़ी वाले ने बोला कि 1 घंटे बाद जाएंगे, फिर मैं बोली कि मेरा मिट्टी पट्टी छूट जाएगा, आप लोग ऐसा कैसे सर्विस दे रहे हैं। तो फिर वो मुझे लेके गए योग भवन, और योग भवन जैसे 2:30 बजे पहुंची, योग भवन का दरवाज़ा बंद था, फिर भी एक दरवाज़ा खुला था, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो राजेश जी ने कहा कि अभी सबको मिट्टी पट्टी हो गई है, अब समय हो गया, अब आपको नहीं मिलेगा, हल्ला करने से कोई मतलब नहीं बनता है। और मुझे मिट्टी पट्टी नहीं मिली, किस लिए? क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट ख़राब है। मैं टाइम पे खड़ी हूँ, आपका गाड़ी नहीं चल रहा, टेंट कॉटेज से योग भवन बहुत दूर है, हर चीज़ के लिए तो चलना मुमकिन नहीं है, वरना आधा समय तो आपको बस टेंट कॉटेज, पंचकर्मा सेंटर इधर ही दौड़ना पड़ेगा। अब जैसे कि डॉक्टर ने मुझे पंचकर्मा लिखा है तो मुझे पंचकर्मा में जाना था, तो मैं वहाँ पे गई, तो वो बोले कि नहीं आप योग भवन 2 में जाइए, वहाँ भी पंचकर्मा है। वहाँ पे गई तो वो बोले नहीं, इमरजेंसी पे डॉक्टर गई हुई है निराम्यम, तो आप सुबह 9 बजे आइए। अब देखिए एक रूल और चेंज हो चुका है कि सुबह 4 बजे जो जल नीति कुंजल इनिमा लेना था वो मुझे 8 बजे लिखा गया है, सुबह सुबह 4 बजे नहीं लिखा गया है। तो योगा करने के बाद, पहले तो इनेमा कुंजल जल नीति रबर नीति ये सब चीज़ें थी कर लेते थे, उसके बाद योगा करते थे, लेकिन मुझे जो टाइम दिया गया वो 8 बजे का, यानी योगा करने के बाद। अब मैं वो सब करूँगी, फिर मुझे 9 बजे बुलाया गया कि आप उस समय आओ, डॉक्टर उस समय बैठी रहती, फिर पंचकर्मा लिखी, लेकिन वो टाइम तो मेरा थेरेपी का है, नेचुरोपैथी थेरेपी का है, तो पंचकर्मा लूँगी तो नेचुरोपैथी थेरेपी छूट जाएगी। अब ये कहा जाएगा कि आप पंचकर्मा लो या नेचुरोपैथी थेरेपी लो, तो मैं तो ऑप्शन ढूंढूंगी नेचुरोपैथी थेरेपी की, पंचकर्मा मैं नहीं सजेस्ट करूँगी अगर दोनों में से कोई एक दिया जा रहा है। पंचकर्मा का पैसा लगता है, नेचुरोपैथी का रूम चार्ज में ही शामिल है, तो मैं नेचुरोपैथी लूँगी। और मुझे नेचुरोपैथी की थेरेपी पसंद भी आई थी, मैं यहाँ पे सिर्फ आई हूँ नेचुरोपैथी थेरेपी की वजह से। और जो सुबह से शाम जो शेड्यूल रहता है, हम लोग घर पर रहते हैं, बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं, योगा टाइमली हो नहीं पाते, यहाँ पे बंदे रहते हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहता है, घर का काम नहीं रहता है, तो यहाँ पे आएंगे सुबह शाम योगा होगा ये सब के लिए, इसी वजह से मैं यहाँ आई। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, 2020 का योगग्राम और 2021 का योगग्राम में अगर मैं स्टार दूंगी 5 स्टार में से, तो मैं आज के टाइम पे सिर्फ 1 स्टार दूंगी, वो भी इसलिए कि साफ़ सफाई है, बाद बाकी 4 स्टार में काट दूंगी।
और 2020 का 5 में से 5 स्टार, इसीलिए मैं 250 से 300 वीडियोस बनाई थी। ऑब्वियसली मैं अपने वीडियो में 100% ईमानदारी बरतने की कोशिश करती हूँ। अगर बाई मिस्टेक मुझसे गलती से कोई वीडियो में कुछ बोल देती हूँ तो वो अलग बात है, वो नासमझी में होता है। मेरा जो है व्यूज़ पाना मेरी ऐसी आदत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे हमेशा ईमानदारी से वीडियोस बनाती हूँ, अवेयरनेस लाती हूँ, ताकि लोग जब यहाँ योग्राम आए तो उनको परेशानी ना हो। लेकिन जब मैं परेशानी फेस कर रही हूँ, जब मेरी मिट्टी पट्टी छूट गई है, मेरी गलती के बिना छूट गई है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे जैसे कई लोग बाहर खड़े थे, उन लोगों की मिट्टी पट्टी छूट गई है। ठीक है, चलो हम लेट से आए इसलिए आप मिट्टी पट्टी नहीं दी, ये समझ में आ जाता है कि ये हमारी गलती, मान भी लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाफ जो आप सुबह सुबह मिट्टी पट्टी देते हो, जब मैं ओपीडी में थी तो एक आदमी आया, बोला कि जब तक मेरा नंबर आया मिट्टी पट्टी का, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, जब तक मेरा नंबर आया मिट्टी पट्टी का, तब तक मिट्टी पट्टी जो मटेरियल होती वो ख़त्म हो गई, इसीलिए उनको मिट्टी पट्टी नहीं मिला। फिर ये बात मेरे सामने वो डॉक्टर को कहें तो डॉक्टर बोले सुबह नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप दोपहर में ले लीजिए 2 बजे। दोपहर में पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो लोगों के फीडबैक भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे मिट्टी पट्टी को लेकर के। कहते हैं कि 8 बजे मिट्टी पट्टी बोलते हैं, 8:30 तक होता नहीं है, और दोपहर में आते हैं 2 बजे के 2:30 बजे तो मिलता नहीं है। अब टाइम टेबल क्या है मुझे नहीं पता। अगर आप 2 बजे मिट्टी पट्टी लिख रहे हो तो अच्छे से 2 बजे लिखिए। आप कागज़ पे पीछे लिखते हैं 2 बजे, फिर आगे लिखते हैं 2:30 बजे, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इतने नहीं समझ पाते। मैं दूसरी बार आई हूँ तो मेरे साथ ये हाल हो रहा है। जो पहली बार आएंगे ना, पहला दूसरा दिन तो बेकार जाने वाला है, सब प्रोसेस समझने में लगेगा। आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं तो समझिए कि आपका 2 दिन बेकार जाएगा। मेरा आज पहला दिन है, लेकिन मेरा पहला दिन बहुत ख़राब गया। मतलब कहूँगी कि आज जो मेरे साथ हुआ, तो पहला दिन का जो ट्रीटमेंट का पैसा मेरा डूब गया। खाना भी मैं नहीं खाई। खाना का भी बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि मैं खाने के बारे में कभी भी किसी भी वीडियो में कोई बुराई नहीं की थी, क्योंकि मैं अनाज का अपमान नहीं करती। मैं जानती हूँ कि यहाँ पेशेंट आते हैं तो पेशेंट जैसा ही खाना दिया जाता है, लेकिन जब मैं पहली बार आई थी तो खाना खाने लायक था। 2 रोटी फिक्स थी, तो सब्जी, 2 रोटी से ज़्यादा रोटी मिलती नहीं थी। दोपहर में मुझे रोटी लिखी हुई थी, 2 सब्जी रहता था, बॉयल सब्जी, तो मैं सब्जी दोबारा ले लेके खाती थी, उसी से पेट भरती थी। मुझे भूख बहुत लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन आज मैं खाना खाने के लिए आई, खाना मेरे से खिलाया नहीं गया। जो ठीक है, मानते हैं सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन हम, मैं घर पे भी बना के खाती हूँ, फॉलो करती हूँ। आप पहले भी खिलाते थे, नवंबर 2020 को भी मैं योग्राम का खाना खाई थी, लेकिन ये 2021 का जो भोजन मुझे आज मिला, मुझे नहीं जमा। अगर इस तरह से खाना मिलेगा तो मेरा वजन ऐसे भी अंडरवेट है और अंडरवेट चला जाएगा, मैं कैसे खाऊंगी, क्या खाऊंगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का पहला जो दिन था योग्राम का, बहुत ज़्यादा बेकार था। मैनेजमेंट मुझे आज का बिल्कुल सही नहीं लगा, और जो गाड़ी वाले हैं ना, वो सही से रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर आपकी गाड़ी भरी पड़ी है तो आप बोल दीजिए कि हाँ भरी हुई है, आप फिर से आएंगे। हम क्या है, यहाँ पे धूप बहुत कड़ा है, धूप में मैं 15 मिनट तक खड़ी रही, 1 गाड़ी फुल 2 गाड़ी फुल, वो मेरे आने से पहले फुल हो जाती, क्योंकि मेरे से आगे भी लोग भीड़ लगा के बैठे हैं। अब मान लीजिए कि गाड़ी में 15 सीटें और वहाँ पे लोग 50 लोग खड़े हैं, तो फुल हो जाएगी ना, फुल हो के गई, 2 गई 3 गई। अगर कोई खाली दिखती भी है ना, तो आवाज़ लगाओ ना तो वो रोकती नहीं है, वो चल देती है पूरी। अरे आप पहले पेशेंट है, खड़ा है, ट्रीटमेंट के लिए टाइमली जाना होता है, टाइमली नहीं जाएंगे तो जैसे मेरा मिट्टी पट्टी छूटा है, वैसे किसी और का भी छूट जाएगा। बैठा के ले चलो। अगर आपके पास गाड़ी की कमी है तो आप गाड़ी के संख्या को बढ़ाइए। अगर आपके पास 20 गाड़ी है तो आप उसको 30 कीजिए। लेकिन गाड़ी की कमी की वजह से लोगों का ट्रीटमेंट छूट रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे अपनी बात कहनी थी। 300 योग्राम का वीडियो बनाने के बाद मैं पहली बार नेगेटिव वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे क्या, यहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, और ये सब कुछ नहीं था। मैं ऐसा नहीं कि मैडम आप पॉजिटिव वीडियो क्यों बनाती थी, कि मैं जब पहली बार आई थी सब कुछ पॉजिटिव था, हर चीज़ पॉजिटिव था, स्टाफ लोगों का बिहेवियर पॉजिटिव था। तो मैं स्टाफ लोगों का बिहेवियर के बारे में नहीं बोलूँगी कि आज मुझे ऐसा कुछ भी दिखा नहीं कि हाँ, क्योंकि लोग पूछते हैं कि कई लोगों ने अपने चैनल पे बताया कि लेडीज स्टाफ पेशेंट के साथ अच्छे से बात नहीं करती है, रूड वे में बात करती है, मतलब जैसा हम लोग बताते हैं ना सेवा भाव से काम करते हैं, वैसा झलकता नहीं है। तो आज मैं नहीं कहूँगी, अभी तो 9 दिन बाकी है, अभी 9 दिन देखते हैं स्टाफ लोगों का बिहेवियर कैसा है। तो 10 दिन जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी, बता दूंगी स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेरी हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत इंस्टाग्राम पे कॉल भी लोग करते हैं ना, तो लेडीज अगर सब्सक्राइबर हो तो सबसे पहले तो स्टाफ के बिहेवियर के बारे में पूछती है। तो अब उसके बारे में बाद में बात करूंगी। लेकिन हाँ, गाड़ी के जो लोग हैं, एक नहीं दो नहीं, अभी लगभग 4:30 बज रहे हैं, 4:30 भी नहीं बजा, 4:15 बज रहे हैं। तो मैं एक लगभग 10 से 12 लोगों से मिली जो बोल रहे कि गाड़ी जो चलाते हैं ना उनका रिस्पांस बहुत ख़राब है, बिल्कुल अच्छे से रिस्पांस नहीं देते हैं।
कुछ गाड़ी वाले हैं जो अच्छा रिस्पांस देते हैं, मान लीजिए कि अगर छः तो छः में से दो अच्छे रिस्पांस देते तो चार बहुत बेकार। मैं तो क्योंकि मैं पहली बार आ चुकी हूँ तो पहली बार का अनुभव और अभी का अनुभव मैं कहती हूँ। उस समय जो मेरा फर्स्ट डे था ना, मुझे लगा था कहाँ मैं आ गई, जन्नत आ गई, इसको मैं कहती थी स्वर्ग। लेकिन अब मैं आई हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई। अब मुझे, मेरा तो मन था कि मैं हर छः महीने में आऊँगी, थर्ड टाइम भी आऊँगी, लेकिन ये 10 दिन कैसा जाएगा उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी मैं तीसरी बार आऊँगी या नहीं आऊँगी या कहीं और जाऊँगी। क्योंकि मुझे योग्राम की जानकारी, इसलिए मैं योग्राम की जानकारी वाले वीडियो बनाती हूँ। तो जैसा भी रहेगा, मैं आप लोगों को घर जा कर के भी अच्छे से खुलकर जो भी रहेगा, अच्छा बुरा पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ खुलकर बताऊंगी। 10 दिन घर जाने के बाद भी मैं, आप लोग क्वेरी कीजिएगा, आप लोगों को सवाल जो भी रहेंगे सबका जवाब मैं देने वाली हूँ। मैं ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत पसंद आया था, मुझे सूट किया था, इसलिए मैं सेकेंड टाइम आई थी। तो सेकेंड टाइम में ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट पे भी फोकस कर सकते हैं, अगर मुझे यहाँ के ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिल रहा है तो वो भी मैं बताऊँगी। लेकिन मैनेजमेंट ख़राब है, ट्रीटमेंट का भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब तक 10 दिन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं इस बारे में नहीं कह सकती कि फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है, कितना परसेंट मिलता है, लोगों का फीडबैक है, वो सब मैं घर में जा कर के आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ, योग्राम का जो मैनेजमेंट है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जितना भी मेरा ये नया अनुभव रहेगा, क्योंकि ये मेरा नया अनुभव ही समझिए, तो जो भी बातें रहेंगी आपको मेरे थ्रू ही पता चलने वाली है। तो गाड़ी का तो सुविधा बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। इतनी कड़ी धूप है, लोग खड़े रहते हैं, टाइम पे आप जा नहीं सकते। आपको ऐसा नहीं है, जैसे मैं अभी बताऊं, मिट्टी पट्टी योग भवन है, नेचुरोपैथी थेरेपी सेंटर में लेना है, एक्यूप्रेशर यज्ञशाला में लेना है, पंचकर्मा के लिए पंचकर्मा सेंटर जाती, अभी मैं कैंटीन जा रही हूँ, मुझे 2 तरह के औषधि वाला पानी लिखा गया है, एक गिलोय का और एक और कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी देखूंगी। तो फर्स्ट हाफ गिलोय का पानी पीना है, तो सेकेंड हाफ कुछ और पानी पीना है, तो इस तरह के 2 तरह के पानी है। तो आप इधर उधर भागते रह जाओगे, अगर आप पैदल चलोगे तो आपका टाइम बर्बाद होने वाला है, कि हर जगह समय पे पहुंचना पड़ेगा, आप लेट से जाएंगे तो आपकी थेरेपी छूट जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो भी मेरा अनुभव रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।